फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 के सीरीज में आज हम लोग चौथे अध्याय को डिस्कस करेंगे। इसका शीर्षक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि इस अध्याय में मुख्यतः हम लोग पढ़ने वाले हैं लड़के और लड़कियों के बीच समाज में कैसे विभेद किया जाता है, कैसे असमानताएं आती हैं, इसका क्या कारण होता है। ठीक है, देखिए, बताया जा रहा है कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, आइडेंटिटी है। यह बहुत ही पॉजिटिव वाक्य सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि कोई असमानता देखता है कि लड़कियाँ कम हैं या लड़के अच्छे काम करते हैं, ये वो काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपने अपने रूप में, अपने अपने जगह पे स्पेसिफिक है, सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है, सोच ऐसी होनी चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे समाज पे, हमारे सोसाइटी पे, हमारे समाज में किस प्रकार के मूल्य हैं, किस प्रकार के वैल्यूज सिस्टम हैं, उसके आधार पे ऐसी अवधारणाएँ जो है व्यक्त हो जाती हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि हम जिस समाज में बड़े होते हैं वह समाज हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको एग्जाम्पल के रूप में सामोआ द्वीप के विषय में बताया जा रहा है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर में मतलब द्वीपों का एक समूह है, जहाँ पे क्या होता है, लड़के और लड़कियों में कोई खास फर्क नहीं माना जाता। वहाँ सभी काम लड़कियाँ भी करते हैं, लड़के भी करते हैं। लेकिन हमारा समाज क्या है, भारतीय समाज, चूँकि कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक प्रभाव है जिसके कारण महिलाओं को या लड़कियों को अभी तक कमतर माना जाता है। लेकिन अब का जो समाज है वो ऐसा नहीं है, अब लोगों में समझ आ रही है, अब लोग उतना विभेद नहीं करते। हालांकि जो रियलिटी है उसे तो जानना ही है, इसलिए एनसीईआरटी के इस किताब में रियलिटी, जो वास्तविकता है समाज की, उसे दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में विभेद किया जाता है। जैसे कैसे विभेद किया जाता है, लड़कियों के स्कूल तथा लड़कों के स्कूल की बनावट अलग होना, खेलने के लिए अलग अलग खिलौनों का दिया जाना। देखते ही होंगे घर में क्या हुआ, भाई है तो उसके लिए कार लेके आया गया, जबकि बहन है उसके लिए गुड़िया ला दी गई। तो ये एक तरीका होता है, शुरू से ही उसको ये एहसास करा दिया जाता है कि तुम इस काम के लिए बनी हो, तुम ये काम करोगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, कहा जाता है लड़कियों को कि तुम धीमी आवाज़ में बोलो, लड़कों को कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए, लड़के रोते नहीं हैं, ऐसे सारे वाक्य निकल के आते हैं। तो ये देखने में आसान लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक कारण है, यही मतलब एक मूल्य सिखाया जाता है बचपन से ही लोगों के, जो है अनकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि हम लड़के हैं तो हमें रोना नहीं है। ये एक अलग तरीके का सोच है जो नहीं होना चाहिए, इसी के कारण आगे जाकर समाज में महिला और पुरुष में, बॉयज एंड गर्ल्स में असमानताएँ फैलती जाती है। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती हैं, परंतु उनके कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, ये उनके स्वाभाविक कार्य मान लिए जाते हैं और इसके लिए उनको कोई मेहनताना नहीं दिया जाता। देखिए क्या होता है कि घर के जो पुरुष हैं किसी ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, जाएंगे काम करके आ जाएंगे, लेकिन जो घर की महिलाएँ हैं वो एक सुबह से उठकर सोने तक पूरे दिन काम करते रहती है कोई ना कोई काम। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो क्या समझते हैं कि जॉब तो मैं करता हूँ, पैसे तो मैं अर्न करके लाता हूँ। भाई ये देखो ना कि आप जितना देर काम कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन या फिर आपकी पत्नी कर रही है। अगर उसको भी ये मौका होता, शुरू से ही ऐसा सिस्टम होता कि वो बाहर जाके काम कर सके, तो आप जितना काम कर रहे हैं उससे कम समय में वो भी अच्छा काम कर लेती। तो ये एक तरीका है जो लोगों को आसान लगता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन रियलिटी यही है और इस पे ध्यान भी देना चाहिए। हमेशा आपको एहसास होना चाहिए कि आप जितना मेहनत बाहर से करके आ रहे हो, आपके घर में रहने वाली महिला या जो लड़की है वो भी उतना मेहनत कर रही है, वो भी खाली नहीं बैठी है। भले ही आपको उस काम के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन घर के काम के लिए उसको पैसा नहीं मिलता। इम्पोर्टेंस तो होनी ही चाहिए, समझदार व्यक्ति इस चीज़ को समझता भी है। कहा जा रहा है वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं, इनमें से बहुत कार्यों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। बिल्कुल सही बात है, घर का काम आसान थोड़े ना होता है, कपड़ा साफ करना, अगर कहीं पानी की समस्या है तो दूर दूर से पानी लाने जाना, अगर लकड़ी काट के लाना है तो लकड़ी को काटो फिर अपने सर पे रख के लाओ, फिर जो है सफाई करना, खाना बनाना है तो गर्म चूल्हे के पास खड़ा होना, ये सारा काम इतना आसान नहीं होता और ये टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है, बहुत समय लगता है इन सब कार्यों को करने में। और लोगों को लगता है कि यह तो कुछ है ही नहीं, घर पे रह के काम करना है। बताया जा रहा है कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के काम को कम महत्व देना स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। बिल्कुल सही बताया जा रहा है, जब लोग ऐसे इस रूप में इस चीज़ को देखने लगते हैं कि
तुम कुछ नहीं करती, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो असमानता का यह बहुत ही बड़ा कारण बनता है। लोगों का माइंडसेट चेंज होते जाता है कि मैं काम करता हूँ, जबकि सच यह है कि आपसे ज़्यादा काम वो करती है। तो अगर लोग अपना माइंडसेट बदले, देखने का नज़रिया बदले, तो धीरे धीरे ये असमानता, इनइक्वालिटी कम हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। ये बात भी बताई जा रही है कि सरकार के स्तर पे या गवर्नेंस के स्तर पे भी ये कार्य होना चाहिए कि लोगों में जागरूकता लाई जाए, इस बात का मतलब लोगों को एहसास कराया जाए कि आपके घर में जो महिलाएं हैं वो भी आपके बराबर काम करती है। इससे क्या होगा, असमानता कम होगी। ठीक है, और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इस चीज़ के विषय में कि हम जो काम करते हैं हमारे घर की महिलाएं भी उतनी काम कर रही हैं। अगर आप उनको पैसा नहीं दे सकते, उनको मेहनताना नहीं मिलता, तो कम से कम उसे इम्पोर्टेंस तो दीजिए कि वो इतना मेहनत कर रही है। देखिए, अपना संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सच पूछे तो क्या है, समाज में भेदभाव ही होता है स्त्री या पुरुष होने के आधार पे। आप हर जगह भेदभाव देख सकते हैं, आप भी एक समाज में रहते हैं, आपका परिवार होगा, आप अपने परिवार में ही इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं कि कहाँ स्त्री होने के आधार पे किसे जो है कमतर मान लिया गया। फिर सरकार क्या होता है कि इन सब कारणों को समझने के लिए तथा इस स्थिति के सकारात्मक निदान, पॉजिटिव तरीके से इसका हल ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। यानी कि सरकार क्या करती है, लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, और लोग में महिला या लड़की कहें तो 50% तो ही है, आधी आबादी, फिर सरकार आधी आबादी के लिए कैसे नहीं सोचेगी। तो सरकार वचनबद्ध है कि हम महिलाओं के लिए भी कुछ काम करें, और सरकार करती भी है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लाई जाती हैं ये असमानता कम करने के लिए, स्कूल में लड़कियों को कपड़ा देना, या फिर उनका फीस कम कर देना या ख़त्म कर देना, लड़कियों को जॉब में कुछ आरक्षण देना, ये सब क्या है, एक तरीका है जिससे असमानता खत्म हो लड़के और लड़कियों के बीच में। ठीक है, चलिए एक उदाहरण बताया जा रहा है कि शासन में क्या हुआ, एक कानून बनाया गया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी या क्रेस की सुविधा देनी होगी। देखिए, सरकार ने यह सुविधा बना दी कि जब किसी भी संस्था में, किसी फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं काम करती हैं तो आप ऐसा कीजिए कि क्रेस की व्यवस्था कीजिए। क्रेस या बालवाड़ी का मतलब होता है कि जो महिलाएं वहां काम करेंगी वो अपने बच्चे को लेके जाएगी, और फिर उस क्रेस में कुछ महिलाएं होंगी या कुछ पुरुष होंगे जो बच्चों की देखभाल करेंगे, वो माताएं काम करेंगी, फिर जब भी ज़रूरत होगी अपने बच्चे से आके मिल लेंगी, या फीडिंग की जो व्यवस्था होती है वो सारा काम वहीं पे हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चों के कारण कुछ महिलाएं जो बेरोजगार हो जाती है उनको वो नहीं होना होगा। तो ये एक अच्छा तरीका बनाया गया जिससे महिलाएं जो है बाहर जाके आसानी से काम कर सके किसी भी सिचुएशन में। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से महिलाएं तो घर के बाहर जाकर काम करती ही हैं, इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारी छोटी बच्चियां जो लड़कियां हैं वो भी स्कूल जा पाती हैं। देखिए, बहुत ही साइलेंट चीज़ है, इसे समझने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जब माताएं काम करने के लिए घर से बाहर जाएंगी और बालवाड़ी की व्यवस्था उनके कंपनी में, उनके फैक्ट्री में नहीं होगा, तो बच्चे को घर पे छोड़ के जाएगी। अब अगर उस बच्चे की बड़ी बहन है तो उस बच्चे के देखभाल के लिए वो स्कूल नहीं जाएगी, वो घर पे ही रहेगी, तो उसकी पढ़ाई बाधित होती है। तो अगर ये व्यवस्था कर दी जाए तो महिलाएं तो आसानी से काम कर ही पाएंगी, साथ साथ जो ये बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी अब ये भी स्कूल जा पाएगी, क्योंकि इसको घर पे कोई काम ही नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके से प्रॉफिट सबको होगा। बताया जा रहा है बहुत सी स्त्रियां घर के बाहर भी काम करती है और घर के अंदर भी काम करती है। इसे प्रायः कहा जाता है कि महिलाओं के काम का दोहरा बोझ है। बिल्कुल ये सही बात है, आप देखते ही होंगे किसी घर में अगर कोई महिला है जो बाहर ऑफिस में भी काम करती हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर जो है पुरुष स्त्री दोनों बाहर काम कर रहे हैं, दोनों घर पे लौटेंगे, लेकिन घर पे आने के बाद महिला का ही काम होगा कि वो खाना बनाए या बाकी सारे काम को देखे। लेकिन अब कहीं कहीं लोग समझदार होते हैं तो घर पे आकर एक साथ मिलकर भी काम करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ऐसी समझ होनी चाहिए, कहीं भी जो है किसी के साथ असमानता का भाव ना हो, भेदभाव ना किया जाए। तो ये अपना जो है ये अध्याय था। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, साथ ही कहीं शेयर कर दीजिए एक दो जगह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।